अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आज के बाद को कहूं ना जाएगो ACP हप्पू सिंह के ऑर्डर के बिना, समझ गए? यस। ओह माय गॉड सर, क्या दिख रहे हैं सर आप, मेरा मतलब कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। Wait a minute, what a pleasant surprise. I'm back, I am coming, yes. Swagatam, suswagatam. Kya baat hai, sir. Sir, मैं कितना खुश नसीब हूँ सर कि मैं अपने अपने इन आँखों से आपको साक्षात जिंदा देख रहा हूँ। क्या बात है सर? अब कब बोलो? बुझ गए अभी? कब बोलो अबे? हैं? इतने दी, उतने खड़ो हो? हैं? ज्यादा ही लाड़ में आ रहा हूँ का? सर मेरे कहने का मतलब ये था कि 100 साल बाद तो आप इतिहास बन चुके होंगे ना सर, तब उस समय के लोग आपके बारे में सोचेंगे और रोएंगे सर, मतलब वो पछताएंगे कि हमने इस महान हस्ती को जिंदा क्यों नहीं देखा सर। इतनी ज्यादा चमचागिरी ठीक नहीं होती मनोहर। सर जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि आपने तो प्रूव कर दिया है कि इतनी ऊंची पोस्ट पर सिर्फ IPS का एग्जाम पास होने वाला बंदा ही नहीं बैठ सकता, अगर शातिर दिमाग हो तो एक नेचर खोर भी बैठ सकता है। तो बोलो। मैंने कहा एक शातिर दिमाग, आई मीन सर टैलेंटेड सर, आप जैसा टैलेंटेड आदमी ही इस कुर्सी पर बैठ सकता है। हाँ तो ऐसे बोलना सो सर, आखिरी के शब्द तू चबा गो। सर ये आपके तारीफों के शब्दों की सुपारी है सर, इसे तो मजे लेकर ही चबाना चाहिए। एक बात याद रखिए, हमारी जी हुजूरी करेगो ना तो बहुत फायदे में रहेगो। सर आप जी हुजूरी की बात कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका पूरा मुंह चाट लूंगा सर। अच्छा और मुंह चाट के कटाबच करेगो? यही कि मैं आपका सबसे बड़ा चाटुकार हूँ। समझ रहे बेटा, हम सब समझ रहे। एक काम करिए, जो चाटा चूटी की जो भी काम है ना, तुम जहाँ करने चाहिए वो तीन करिए। इतने हमें थाने में ईमानदारी बिल्कुल मेहनत से काम कर तू नजर आइए, हम तेरे बारे में सोचेंगे। हम जानते हैं तुम हमारा पुराना साथी है, हम आगे बढ़ेंगे तो तुमको भी घसीटेंगे। ओह माय गॉड सर, आप इतने ऊपर पहुंच, मतलब इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठने के बावजूद भी आपसे छोटे जूनियर आपके साथियों के बारे में सोचते हैं सर। एक बात बताएं सर, कछु पेड़ में ना ऐसे कीड़ा चिपके भाई होते हैं तो पेड़ को भी साथ ही नहीं छोड़ते, और तू भी बिल्कुल वही किस्म को कीड़ा है। हमें मजबूरी में अपने साथ में रखने पड़ेगो, हम आगे जाएंगे तो तू भी चिपको रहेगो कीड़ा। गुड मॉर्निंग अपो। अरे सर आप बैठेंगे? नहीं मैं थोड़ा जल्दी में हूँ हप्पू। सर हमारी तनक एक रिक्वेस्ट है, इतने ध्यान तो दियो दादा, अगर आप हप्पू के आगे ACP जोड़ दियो और हप्पू के थोड़ी सी और साइड में सिंग लगा दियो और साथ में अगर जी लगा दियो तो हमें तनक खुशी मिलेगी। ACP हप्पू सिंह जी कैसी लगी? I'm sorry. Good morning, ACP हप्पू सिंह जी। हमें अच्छू लगो। बोलो साहब, बोलो। हप्पू सिंह जी, बात दरअसल ये है कि सभी जानते हैं कि मंत्री जी के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी जान पहचान है, तो मेरा छोटा सा काम अगर करवा देते। काम का है? मेरा भतीजा है, उसे रेलवे में जॉब नहीं मिल रही है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम ACP हप्पू सिंह।
करेंगे हम, वो देख लेंगे। मतलब हाँ हाँ या ना? हमने बोल दी हाँ, मतलब हम ध्यान देंगे। थैंक यू हप्पू सिंह जी, थैंक यू, थैंक यू एसीपी हप्पू सिंह, थैंक यू, थैंक यू। ये राजेश का है भाई, तुमने तो एकदम थका मारा भाई, मतलब है इतनी देर मार्केट में सामान लेते लेते कमर दर्द हो गई है। शक्करकंदी, अजवाइन, कलौंजी। अरे भैया और कुछ छूट गया तो बताओ, जाएंगे तुरंत ले आए वापस। ऐसो बेनी, हाँ तो घर गृहस्थी चूल्हा चौका ना हम औरतें संभालती हैं, जाई के लाने हमें याद करना पड़ता है। हाँ मतलब तुम औरतों के साथ ना, मतलब मार्केट जाना अपना अपना खुद की जो ना शरीर की बैंड बजवा देना है। कभी ये छूट जाए अजवाइन, ये वो बग्गू का तो क्या कहते हैं वो बोलती है कि पीको छूट गया, घर पे आके याद आता है वो आलपिन छूट गया, बताओ फिर जाना पड़ता है। ऐसा बेनी जी, हम औरतें ना घर गृहस्थी संभालती, जाई के लाने हमें पत्तो है कि आलपिन की क्या अहमियत होती है, तुम रहने दो। घर गृहस्थी तो ये बात जरा अपनी बहन को भी समझा दो, प्यारी बहन को। नहीं देखो क्या है, ये हम मानते हैं बग्गू को छोड़ के बाकी सब औरतें मतलब बहुत मेहनत होता है, लगातार काम करते ना पूरी एकदम हालत खराब हो जाती है। मानते हो ना? मानते हैं बिल्कुल। तुमने भी तो कुछ लाओ तो। हाँ एक सेकंड, ये वाला मेरा बैग है और इसमें एक शराब खरीदे। अरे शराब नहीं है भाई, शराब है क्या ये? नहीं तो क्या है, शरबत है। हाँ शरबत है, शराब तो हमने कल रात को ही पीनी छोड़ दी। ये तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा ऐसो बेनी, तुम और तुम्हारे मित्र गंगा जी में खड़े होकर कसम ले हो ना, तब भी नहीं मान सकते कि तुम दोनों शराब छोड़ सकते हो। जब दोस्त छोड़ के चला गया तो शराब क्या, शराब भी छोड़ दी हमने, दोस्त छूटा शराब भी छूटी, समझ में। मतलब नहीं, मतलब गोल गोल नहीं घुमाओ, साफ साफ कहो। मतलब ऐसा राजेश, हम तुमको सच बताएं, कल ना हम दिल से अंदर से बहुत ज्यादा खुश थे, बिल्कुल एकदम हैप्पी, तो हम कहें कि हमारा जो दोस्त चोमू लाल इतना बड़ा मतलब ऑफिसर क्या कहते हैं एसीपी बन गया है, तो हमें तो अंदर से खुशी होगी। तो हमने अपने तरफ से जो है ना यहीं पर जो है खाट के पास जो है ना पूरा एकदम शराब लाए, विदेशी चखना उखना सजा ली एकदम टेबल, एक तो बहुत भाव खाते हुआ आया, और मतलब फिर उसने ना उसने मेरी औकात दिखा दी, मुझे बेइज्जत कर दिया उसने, वो मैंने बोला तो उसने इनविटेशन को सीधे ठुकरा दिया कि हमें नहीं पीना, मतलब एकदम जलील कर दिया उसने मुझे। तब फिर मैंने यही सोचा, शराब की बोतल फेंक दी और शरबत, अब से शरबत पिएंगे। हमें पता नहीं है बेनी, इन्हें तुम्हारे संग ऐसे काय करो। अरे सीधी सी बात है, उसके दिमाग में पूरा घमंड चढ़ गया है, अहंकार हो गया उसको, और क्या। शायद सही कह रहे हो तुम, हमें भी ना फिजूल में सुनाते हैं आजकल, मतलब ऐसे अर्रा के खाने दौड़ते हैं जैसे पता नहीं हमने का बिगाड़ दिया है। सही में कामयाबी ने उसके दिल दिमाग में ना अहंकार घुसा दिया है एकदम, मतलब और ये हालत जो है अच्छी बात नहीं है, जल्दी से नॉर्मल होना चाहिए, बैक टू नॉर्मल, वरना वरना तो भगवान ही मालिक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।